संस्कृत का आज हम लोग द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं। संस्कृत विषय का शीर्षक है नद्या आत्मकथा। क्या है? नद्या आत्मकथा। नद्या आत्मकथा मतलब नदियों का की आत्मकथा, नदियों की। बहुत सारे नदियां हमारे देश में, आत्मकथा उसका कथा, उसके संबंध में जानकारी। पहले हम पाठ को पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। अहम नदी अस्मि, अहम अस्या वसुंधराया सुंदर्यम अस्मि, मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, अहम माता इव संपूर्ण विश्वम पालयामि, पर्वतानाम उन्नतेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, अहम सर्वदा गतिशीलास्मि, मम तटेषु महानगराणां विकासः भवति, एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम् एव कारणम् इति जनाः वदन्ति, कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका वर्तते, सर्वे जनाः जानन्ति यत् जलं विना जीवनं न, मम जलम पित्वा एव सर्वे जीवन्ति, मम जलेन एव क्षेत्राणि सिंचयन्ते, अतः अहम् भोजनेन अपि जनान पालयामि, राष्ट्राणां विकासाय विद्युत महती भूमिका विद्यते, मम जलात् एव विद्युत उत्पाद्यते, भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, झारखंड प्रदेशे अहम् गंगा स्वर्णरेखा अजया कोयला दामोदरा इत्यादि नाम भी प्रवहामि, बिहार उत्तर प्रदेशे अहम् मातृ रूपे गंगा इति नामना पूज्यास्मि, उत्तरस्यां दिशि अहम् सिंधु नामना विख्याता, दक्षिण दिशायाम् अहम् कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामना प्रवहामि, पूर्वस्यां दिशि अहम् महानदी कोसी ब्रह्मपुत्र इति नामना विख्याता अस्मि। अब ये जो हमारा अभी तक पढ़े इसका मैं अर्थ बता दूं। अहम् नदी अस्मि का मतलब क्या है? मैं नदी हूँ। अहम नदी अस्मि का मतलब क्या है? मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्मि, मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। क्या हूँ? मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, और क्या कह रहा है कि मैं माता की तरह सारे संसार का पालन करती हूँ। माँ जैसे बच्चों का पालन करती है ना, इसी तरह नदी भी पूरे संसार का पालन करती है। पर्वतानाम उन्नतेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, फिर क्या कह रहा है? पहाड़ों के ऊंचे स्थलों से निकलकर, पहाड़ों के ऊंचे स्थलों से निकलकर सागर में मैं प्रवेश करती हूँ। नदी कहाँ से निकलते हैं? पहाड़ों से। गंगा नदी गोमुख से, हिमालय से, सारे अधिकांश नदियां गंगा पहाड़ से निकलती है, और कहाँ में प्रवेश करती है? सागर। ठीक है ना? आगे अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, क्या कहा? मैं हमेशा गतिशील हूँ। नदी को कभी थमते हुए देखा? नहीं। पीछे जाते हुए देखे? नहीं। नदी हमेशा गतिशील हो है, रात हो दिन हो, जब रात को आराम करते हैं तो भी नदी गतिशील। मम तटेषु महानगराणां विकासः भवति, ठीक है, मेरे ही किनारों पर, तट माने किनारों पर महानगर का विकास होता है। जितने बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, नदियों के किनारे ही तो है, है कि नहीं? नदियों के किनारे। फिर क्या कह रहा? एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम् एव कारणम् इति जना वदन्ति, किसी भी देश के विकास में या महानगरों की समृद्धि के विकास में मेरी ही भूमिका सबसे प्रमुख है। अगर मैं नहीं होती
तो ना महानगर विकसित होते और ना ही किसी देश का विकास होता। सर्वे जना जानन्ति यत् जलम विनाम जीवनम न, सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मेरे ही जल को पीकर लोग जीवित रहते हैं। जल के बिना जीवन है क्या? नहीं। जल के बिना कोई बच सकता है? नहीं। तो जल के बिना जीवन नहीं है, तो सभी जानते हैं कि मेरे ही कारण लोग जीवित रहते हैं। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मम जलेन एव क्षेत्राणि सिंचते, मेरे ही जल से सिंचाई होती है। जो आप खेतों में पानी सींचते हो कहां से आता है? नहर बनाते हो, कहां से आता है? नदी से ही आता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ही लोगों को पालती हूं। कि कैसे पालते हैं लोगों को? मेरे ही जल से आप पानी पीते हो। नदी के बिना जल नहीं, जल के बिना आपका जीवन नहीं है। मेरे ही जल के कारण सिंचाई होती है, सिंचाई के बिना खेती नहीं, खेती के बिना जीवन हो सकता है क्या? राष्ट्राणाम विकासाय विद्युत महती भूमिका विद्यते, और क्या है, बिजली बहुत जरूरी है। एक मिनट भी बिजली नहीं रहे तो मनुष्य परेशान हो जाता है ना। तो बिजली की उत्पत्ति कहां से होती है? मेरे ही जल से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम उपजाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो नदी के जल से ही क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। मम जलाते व विद्युत उत्पाद्यते, भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत देश में मेरे अनेक रूप हैं। एक ही रूप नहीं है, अनेक रूप हैं। कैसे कैसे रूप हैं? झारखंड प्रदेशे अहम गंगा स्वर्ण रेखा अजय कोयला दामोदर इत्यादि नामामि प्रवाह। झारखंड प्रदेशे मतलब झारखंड राज्य में मैं गंगा स्वर्ण रेखा अजय कोयल दामोदर आदि नामों से क्या है? बहती हूं, ठीक है। बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में अहम मातृ रूपे गंगा इति नामना पूजयिष्यामि, बिहार उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में पूजी जाती हूँ, गंगा के रूप में पूजी जाती हूँ। उत्तर प्रदेश में कई शहर हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जहां में प्रत्येक दिन शाम को गंगा की आरती होती है। बनारस में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वहां पे आरती की जाती है, क्योंकि गंगा को माता मानते हैं। गंगा के बिना वहां जीवन संभव नहीं है, जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, ठीक है। उत्तरास्याम दिशि अहम सिंधु नाम ना विख्यात, और उत्तर दिशा में मैं किस नाम से प्रसिद्ध हूँ? सिंधु के नाम से। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम ना प्रवाहमि, और दक्षिण दिशा में, भारत के दक्षिण दिशा में मैं किस नाम से बहती हूँ? कावेरी गोदावरी कृष्णा। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी ब्रह्मपुत्र इति नाम ना विख्यात अस्मि, और पूर्व दिशा में मैं किस नाम से बहती हूँ? महानदी कोसी ब्रह्मपुत्र इत्यादि। इस प्रकार भारत के चारों जो दिशा